अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बॉयज़। क्या हाल चाल, सब ठीक होंगे? खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज थर्सडे है और ये बकराई बिल्कुल करीब है, तो हमने कहा हम भी बकरे जा के देखें यार, लेने हैं बकरे। लास्ट कुछ दिन रह गए, तीन चार दिन। और वो बकरा कितना कह रहे हैं? किन्ने रही? 70,000। ये 70,000? चलो 70,000 भाई, 70,000। ये मेरे ख्याल से इनका हो रहा है फाइनल ना, कितने का होता है। ये मेरे ख्याल से 40-40 में है, ये वाला 40 में हुआ, उसका उनका पता नहीं। वो अभी पैसे उन्होंने निकाले में, तो अभी पता नहीं लगेगा। और इसका ये 75,000 में होगा। तो बकरा अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। पूरा हो गया मेरे ख्याल से, तो पैसे पकड़ा रहे हैं। कितने कह रहे थे? 45 मिनट कह रहे हैं। इसका 50,000 मांग रहे हैं। तो भाई एक तो बकरा दूध ही पसंद आ गया, कीमत का नहीं पता। यार ये बकरे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं और इनका रेट भी थोड़ा सा मुनासिब है। आप देखें क्या होता है, शायद ये हो जाए, क्योंकि ये दूर से ही अच्छा लग गया था बकरा। अभी हम देख रहे थे दूर से ही अच्छा लग गया था बकरा। लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। ਵਾੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ यार वो वाला तो नहीं पसंद आया था, लेकिन उसके साथ की बात नहीं बनी। फिर उसके बाद एक ये अच्छा लगा है, लेकिन इसके तकरीबन 1.5 लाख रुपए मांगते हैं। इसके साथ देखते हैं कि बात बनती है या नहीं बनती है। यार मंडी में आ गए, लेकिन मंडी में भी बकरे कोई नहीं है, थोड़े से हैं, कोई 20-25-30 बकरे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मंडी में। बाहर वाली मंडी वाक एंड से बाहर जो है वहाँ पे होंगे ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे दूर भी होता है। वहाँ कल जाएंगे, कल अगर यहाँ से अभी ना मिले तो फिर कल वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ से कोई मिले या नहीं मिले। ये देखें, ये कुछ यहाँ पे खड़े हैं और कुछ वो वहाँ पे खड़े हैं। यार ये जो है ना इस साइड पे, ये सारे ये तोल के दे रहे हैं बकरे ना, और उस साइड पे जो है वो वैसे जिस तरह आके ले लेते हैं, डिमांड बोलते हैं और आगे बार्गेनिंग करके ले लेते हैं। ये सारे तोल वाले बकरे हैं। इस बकरे का भी 75,000, 75,000 पे इसका मांग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत हाई रेट है भाई। भाई क्या मांग रहे हैं? 75,000। इसका भी 75,000, इसका भी 75,000। मतलब हमें भी मंडियों में जाना पड़ेगा यार। हम तो सोच रहे थे मंडी से बाहर से मिल जाए, इजी होता है। वो बहुत ज़्यादा ना गरीब वाला सीन हो जाता है, बहुत बैड सीन हो जाता है। देखते हैं मिलते। ये देखो भाई, ये मारने वाला बकरा है।
यार अभी टाइम हो रहा है 8:20 और पता है अभी तक कोई बकरा नहीं मिला, कोई बकरा नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। और अभी तक हम लोग बस देख रहे हैं मिल जाए, इतना रश लगा हुआ है इधर ना। एक दो बंदों से, बल्कि काफ़ी सारों से बात की, कोई बात पे आते ही नहीं है। 80,000 वाले को हमने तकरीबन 75 बोला, उसने 75 मिल दिया। वो कहते भाई मैंने 80 में ही मिला। वाह भाई, चलो देखते हैं कल, फिर मंडी में जा कर लेना पड़ेगा। और क्या, मंडी में से जा कर ले लेंगे, फारी होगी एक दिन की। और गर्मी बहुत ज़्यादा यार, और टाइम भी 8:21 हो गया तकरीबन। हम लोग घर से निकले थे 5:30 घर से निकले थे, और अब टाइम आपके सामने कल से घूमने थक गए। अब मैं कह रहा हूँ घर जाते हैं जाके, कल या परसों, ये दो दिन रह गए, बस दो दिनों में ही लेने हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैं भी घर से होके वापस आ गया हूँ, खाना वगैरह खा के फ्रेश होके अब ना दोस्त के साथ मंडी जा रहा हूँ। उसने भी बकरे लेने, तो वो कहता है चल यार चलते हैं बकरे लेके आते हैं, अगर मिल गए तो ठीक है, वरना फिर कल, आपको पता है कल वाला एक दिन हमारा और ज़ाया होगा। चलते हैं अभी जाके बकरे लेके आते हैं। पर्ची वाले बैठे हैं, और ये एंट्रेंस है इसकी, और ये सारी मंडी है। हाँ जी भाई, कितने मांग रहे हैं इसके? 75,000 धोंदे धोंदे। यार इसके ना ये 1,50,000 मांग रहे हैं, और इसका 50, सिर्फ 50, और इसका भी 1,40,000। वो बकरा अच्छा है, लेकिन उसका पता नहीं कितना, मेरे ख्याल से 1,20,000 मांग रहे हैं। ये भी बकरा भी अच्छा है, इसका इन्होंने 1,20,000 रुपये का। काफ़ी कॉस्टली हैं यार बकरे, इधर दुम्बे भी हैं कुछ, और ये बकरा तेज़ है। बाकी उधर भी और लगे हैं, उधर भी हैं, इसलिए मंडी में ना थोड़ा सा ये होता है कि रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बकरी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको चूज़ करने में आसानी हो जाती है। ये भी बकरा खड़ा हुआ है, इसका पता नहीं ये कितना मांग रहा है। वो चौक है वो वाला, और ये धोंदा है वो भी चौक है, इसका पता नहीं, ये मारने वाला लग रहा है यार। यार ये एक दुम्बा नज़र आया है, और तकरीबन ये 80 किलो से ज़्यादा का बकरा, बहुत हैवी दुम्बा है ये बकरा, कह रहा हूँ मैं, हैवी दुम्बा है ये। और इसके राउंड स्टिंग्स हैं दांत से, आई थिंक ये 2 है, और इसका कितना मांग रहे हैं, तकरीबन 2,10,000 इसका डिमांड में रखा हुआ बैठ गया। वो हाँ जी भाई, क्या मांग रहे हैं इसका? 65,000 धोंदे धोंदे, ठीक। यार ये साइड पे सारे बैल लगे हुए हैं, ठीक है, और इनका पता नहीं यार ये कितने हैं, और इस साइड पे सारे बकरे लगे हुए हैं। यार ये एक बैल है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, दूर से मैंने देखा था, और काफ़ी खूबसूरत बैल है। ये भी खड़ा है, ये भी प्यारा है, ये काफ़ी खूबसूरत बैल है। नस्ल का इसका मुझे नहीं पता कौन सी नस्ल का है, और ये काफ़ी प्यारा है, इसकी डिमांड का भी नहीं पता भाई, इसकी डिमांड का भी नहीं पता। यार ये डील डन हो गई है इनकी, ये एक बकरा है और एक ये बकरा, 80,000 रुपये की इनकी डील डन हुई है, 80,000 की। ये बच्चा इसको तंग कर रहा है सही, और ये इसके साथ ना खेल रहा है। ओए होए 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 होए, यार ये भी डील डन हुई है तकरीबन 48,000 की। यार ये खतरनाक बकरा है भाई,
खतरनाक बकरा भाई, ये खतरनाक बकरा यार। ये एक बकरा नजर आया, ये छिग्गा बकरा है, 6 दांत का, और ये बूढ़ा हो चुका है, और इसके 1,20,000 मांग रहे हैं, और प्राइस बहुत ज़्यादा है इसकी उस हिसाब से। यार हम लोग अंदर से बाहर आए हैं मंडी के, और बाहर आके पता लगा है कि ना आप कोई भी अंदर से या इस जगह से कोई भी जानवर लेते हो ना, तो उसके ऊपर 4% आपको टैक्स भी देना होगा। और इस बात का हमें पहले उस तरह तो पता ही नहीं था, 1 या 2% टैक्स होता है, अब आगे देखा तो 4% टैक्स देना पड़ेगा। वाओ यार इधर इतना रश है इस टाइम पे, और इतना ज़्यादा रश है, बहुत देर से लोग मतलब देख रहे हैं बकरे, लेकिन उस तरह रेट्स काफ़ी आई हैं, और दूसरा इतने उस तरह के बकरे नहीं हैं, रेट्स इतने ज़्यादा मांग लेते हैं लेकिन उस हिसाब से कोई बकरा नहीं होता। तो अभी मैं खुद एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ घर, और ये इधर सीन चेक कर लें आप, लोग काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उनका कोई डील बनती है, तो किसी की नहीं बनती, किसी की चली जाती है। हमने भी काफ़ी लोगों को ऑफ़र किया लेकिन वो नहीं मानते उस बात पे, तो कोई नहीं, अभी 1-2 दिन हैं, जो कल फिर आएंगे। यार मैं घर आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, रेट नहीं बना, बकरे कुछ ठीक थे, कुछ के बहुत ज़्यादा रेट आए थे। हमारे पास अभी 2 दिन हैं ऑलमोस्ट, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।